नमस्कार, मैं हूं विक्रम दल। पॉलिटिकल पंचायत की परिचर्चा में आज हम हरियाणा की भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का ब्यौरा आपके सामने लेकर आए हैं और चर्चा करेंगे आखिर वहां पर क्या माहौल है। हरियाणा की ये 10 लोकसभा सीटें आपको हो सकता है सुनने में ये लगे कि बहुत कम आंकड़ा है, बहुत छोटा आंकड़ा है, लेकिन देश की सरकार बनाने में ये संख्या है, ये काफी मायने रखती है। और इन्हीं कारणों से आप समझ सकते हैं देश के पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस से प्रियंका गांधी हरियाणा के दौरों पर हैं। मेरे साथ में पॉलिटिकल पंचायत से नवीन कुमार और राजनीति जो हरियाणा की है उसमें बड़ी ही बारीकी से पत्रकारिता करने वाले करण देवड़ा हमारे साथ में। आप दोनों का पॉलिटिकल पंचायत की इस परिचर्चा में स्वागत है। करण, मेरा सवाल पहला नमस्कार। आपसे है, हरियाणा की राजनीति में नरेंद्र मोदी के भाषणों में और बीजेपी के खासकर जो भाषण है नेताओं के, उनमें राष्ट्रवाद बहुत मुखर उभरा है, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर भाईचारा मिटाने की बात कह रही है और आरोप लगा रही है। क्या सच्चाई है? इसमें क्या मानना है? क्या जमीनी स्तर पर क्या माहौल है वहां पे? देखिए विक्रम, जैसे ही लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ तो प्रथम चरण जब हुआ, पहले चरण के पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी का जो एजेंडा था वो था थर्ड इकोनॉमी, विकास, ये सब कुछ था। लेकिन पहले चरण में जब वोटिंग प्रतिशत कम रहा तो बीजेपी ने अपना ट्रैक बदला, और जो उनका पारंपरिक ट्रैक है जिसपे वो हमेशा राजनीति करती आई है, चाहे वो हिंदू जी मुसलमान की बात हो, भारत पाकिस्तान की हो, तो आप देख रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव के बाद लगातार बदलाव होता गया है। और अब क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी छठे फेज में है और यहाँ पे भी अब हलचलें तेज होना शुरू हो गई है, सभी पार्टियों के उम्मीदवार सामने आ गए हैं, अब बड़े बड़े नेता भी रैलियां करने आने वाले हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ की आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो बड़े नेता जो इस देश के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, दोनों की इस लोकसभा क्षेत्र में रैली होने वाली है। 23 तारीख को महेंद्रगढ़ के पाली गांव में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और ऐसी सूचना है कि 21 तारीख को शायद चरखी दादरी में राहुल गांधी भी रैली करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रवाद बहुत बड़ा हावी रहने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर बात करें बीजेपी को 10 की 10 सीटें मिली थी, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो राष्ट्रवाद के मुद्दे का था। आपको ध्यान होगा पुलवामा की घटना हुई थी, और पुलवामा की घटना से हरियाणा में जिस तरह से बदलाव हुआ, 10 की 10 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई। तो ये तो साफ है कि बीजेपी अब जो पहले चरण से पहले बात कर रही थी विकास की, उस ट्रैक से वो हटी है, अब राष्ट्रवाद पे। और हरियाणा में भी ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े मुद्दे अग्निवीर है, किसान आंदोलन है, पहलवान है, ये सब रहने वाले हैं। और बीजेपी जो है राम मंदिर और विकास और राष्ट्रवाद पे जो है एक चुनाव यहाँ पर हरियाणा में लड़ेगी। करण जी, एक बात कहना चाहूंगा इस बीच में। बात यह है कि राष्ट्रवाद की अगर बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा से जो सैनिक है, किसान और देश की रीढ़ है, शायद यहाँ पर किसी को भी राष्ट्रवाद सिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, फिलहाल यहाँ जो मुद्दा है भिवानी महेंद्रगढ़ का बात करें हम, तो यहाँ के जो लोग हैं आमजन, हमने जो 4-5 विधानसभा कवर किए हैं यहाँ की, वहां पर लोग मुखर होकर ये कह रहे हैं कि चौधरी धर्मवीर जी हमारे यहाँ हमसे पूछने तक नहीं आए कि क्या हाल चाल, खासकर पिछले 5 साल के शासन में। दूसरी सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर जो अग्निवीर की जो योजना थी वो, दूसरी है इसके अलावा किसान आंदोलन जो था उसमें किसान खुलकर ये कह रहे हैं कि हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की, हमारे जो माननीय सांसद थे वो ये कहते थे कि पार्टी लाइन से हटकर मैं किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकता। साथ ही जो युवा है यहाँ के, वो बेरोजगारी जो चरम पर पहुंच चुकी है हरियाणा में, उसको लेकर खासे आहत दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरी तो नहीं है, अकेले डी ग्रुप की नौकरी से हम क्या करें, हमने एमएससी कर रखी है, एमए कर रखी है, फिर भी हम डी ग्रुप के फॉर्म फिरते भरते जो घूम रहे हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसके लिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार मानते हैं हरियाणा का जो शासन था, जेजेपी और बीजेपी की जो पार्टी का जो गठबंधन था उसको लेकर, सीईटी की जो मुख्य परीक्षाएं थी, उसके अलावा जो एचसीएस से लेकर जो पेपरों पर ये आरोप लगा कि भाई सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारी सुनवाई, हमारी पैरवी कोर्ट में अच्छे से नहीं की जा रही, खासकर जो 5 नंबर वाला मामला था कि जिनके परिवार में रोजगार है उनको जो ये था कि जो कहते हैं ना कि एक तरह से कि भाई इनकी जो पैसे की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, परिवार में किसी की सरकारी नौकरी तो उनको नंबर नहीं दिए जाएंगे, इस तरह की जो चीजें थी उससे बच्चे बहुत ज्यादा आहत थे। और ग्राउंड लेवल पर महेंद्रगढ़ जो विधानसभा है भिवानी महेंद्रगढ़ की, वहां पर एक चीज और देखने को मिलती है, जैसे हमने कल बात की थी कि जो जाट वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है वहां पर, ऐसा हो रहा है कि जो दूसरा वोट बैंक खासकर यादवों का, वो भी कहीं ना कहीं रुझान दिखा रहा है, और जो ग्राउंड लेवल पर जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, विक्रम वो और नवीन, परेशान दिखाई दे रहा एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, इस लोकसभा की अगर बात कर रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़, तो इसको समझना बहुत जरूरी है।
इस लोकसभा में 5 सीटें आती है भिवानी साइड की, जिन्हें कहा जाता है कि वो जाट बाहुल्य, और 4 सीटें आती है जो महेंद्रगढ़ की, वो अहिर बाहुल्य यानी यादव बाहुल्य है। तो यहाँ पर अगर एसी कमरे में बैठ के अगर कोई एनालिसिस करेगा ना, तो वो ये कहेगा कि यार पिछले 2 चुनाव में तो बहुत बड़ी जीत बीजेपी की हुई थी। धर्मवीर पिछली बार लगभग 4.5 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर एक बहुत ही एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। कांग्रेस ने यहाँ पर कैंडिडेट जाट के बजाय एक रिस्क भी लिया है और मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। रिस्क इसके लिए क्योंकि बंसीलाल परिवार की पोती, बंसीलाल की पोती किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का उन्होंने टिकट काटने का रिस्क लिया, लेकिन मास्टर स्ट्रोक उन्होंने ये खेला है कि उन्होंने राव दान सिंह यानी जो 4 सीटें महेंद्रगढ़ साइड की है वो यादव बाहुल्य, तो उन्होंने यहाँ यादव को टिकट दिया है। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि इस बार जाटों का जो अच्छा खासा वोट प्रतिशत है वो उनके पक्ष में जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा खुश है, उसकी वजह है वो बीजेपी को हराना चाह रहा है। तो वो एक एडवांटेज, करण जी मैं इसमें एक बात रखना चाहूंगा, नवीन एक बात है इसमें, जाट वोट का एडवांटेज देना चाह रही थी और वो चाह रही थी कि यादव वोट को हम एक यादव कैंडिडेट देके हम ले सकते हैं, और उसमें वो कामयाबी हुई है। हालांकि थोड़ी बहुत नाराजगी किरण चौधरी की है, वो क्षेत्र में प्रचार नहीं कर रही, एक बार उन्होंने बयान भी दिया, वो ज्यादातर शैलजा के प्रचार में सिरसा जा रही है, लेकिन बावजूद इसके हुड्डा की वजह से जाटों का जो अच्छा खासा वोट कांग्रेस को मिल रहा है। और राव दान सिंह क्योंकि यादवों के बड़े नेता है, कांग्रेस के यादव में 2 बड़े नेता माने जाते हैं, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा की बात करें कैप्टन अजय यादव और राव दान सिंह। कैप्टन अजय यादव क्योंकि वो हुड्डा खेमे के अगेंस्ट में रहे, उनकी राजनीति धीरे धीरे बहुत शैलो होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो राव दान सिंह के पास एक स्कोप है जो बड़े नेता बनने की यादवों का, वो हुड्डा ने उनको फुल हैंड दिया और वो यादवों के बड़े नेता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है और चुनाव भी बहुत दमखम के साथ और मैनेजमेंट के साथ लड़ रहे हैं, तो यही एक वजह है। दूसरा धर्मवीर के साथ एक दिक्कत है कि वो 10 साल से यहाँ एमपी है लेकिन वो अपनी कोई खास छाप छोड़ नहीं पाए। वो दोनों चुनाव जो जीते उसमें महेंद्रगढ़ का बहुत बड़ा योगदान था, आप देखिए 4.5 लाख वोटों से उनकी जो जीत हुई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि 2 जाट कैंडिडेट थे तो उधर का वोट भिवानी का बढ़ता था और महेंद्रगढ़ का पूरा वोट जो है वो दोनों चुनाव में इनको मिला। खास पिछले चुनाव में तो खास तौर उससे पहले राव बहादुर ने लिया था, लेकिन पिछले चुनाव में धर्मवीर को पूरा वोट मिला, तो ये एक वजह है। इसलिए कांग्रेस जो है राव दान सिंह पे दांव खेल के कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में यहाँ पर है। तो मेरा ये मानना है करण जी, विक्रम जी, हाँ जी बोलिए, नवीन जी करिए कंटिन्यू, कि जो कांग्रेस ने जो टिकट का बंटवारा किया है और राव दान सिंह पर जो दांव खेला है वो कहीं ना कहीं 100% सही है, क्योंकि कांग्रेस की स्टार्टिंग से ही इस बार एक नीति रही है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा हम उसको टिकट देंगे, क्योंकि श्रुति चौधरी 2 बार लगातार चुनाव हार चुकी थी, उसके पीछे भी उन्होंने वर्क किया है, उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने देखा कि किस वजह से हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने राव दान सिंह को टिकट दिया। और कहीं ना कहीं यकीन मानिए 5 से 10 पैसे जो राव दान सिंह है वो भारी है फिलहाल चौधरी धर्मवीर सिंह पर। तो आप दोनों से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जाट बनाम गैर जाट कम्युनिटी वाला मामला तो नहीं बन रहा महेंद्रगढ़? नहीं नहीं, यहाँ पे कतई भी जाट बनाम गैर जाट वाला नहीं है। यहाँ पर जो हरियाणा में एक हवा चल रही है कि बदलाव की जो नीति है उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे बेरोजगारी से लेकर किसानी से लेकर आमजन की समस्याएं हैं, जो पोर्टल तक बनाए गए हैं उससे भी आम आदमी किसान जो शायद पढ़ा लिखा नहीं है वो बहुत ज्यादा आहत है, वो चाहता है कि एक बदलाव हो, नई सरकार को हम देखें, 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो साफ साफ लोगों के बीच नजर आ रही है। इसमें कहीं भी जातिगत आधार पर वोटों का जो घुमाव या मोड है वो कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा। इवन जो जाट वोट बैंक है वो भिवानी महेंद्रगढ़ में कहीं ना कहीं धर्मवीर की बजाय राव दान सिंह को विजेता देखना चाहता है, जैसा हमने सर्वे किया है। भिवानी का जो बाड़ा इलाका पड़ता है, तोसाम जो पड़ता है, दादरी जो पड़ता है, वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत है और ये जाट बहुल और किसान बहुल इलाका है। विक्रम एक चीज बताना चाहूंगा कि जाट नॉन जाट का मुद्दा ऐसा है, नहीं चल रहा, इसको पूरी तरह से नकार नहीं सकते, लेकिन ये कह सकते कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पर ये मुद्दा काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर राव दान सिंह को उतारने के बाद यादव बहुल्य सीट जो है, क्योंकि यादवों को ये लग रहा है कि उनका उम्मीदवार जीत सकता है। और यहाँ पर एक सिचुएशन जो है ना, अगर आप ग्राउंड पर देखेंगे तो ये दो दो हिस्सों में बटा हुआ है, भिवानी और महेंद्रगढ़ में। तो भिवानी के लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि राव दान सिंह यादव बैठ से कितने वोट लेकर आ रहे हैं, और यादव जो है उनकी नजर उस तरफ है भिवानी की तरफ कि जाट कितना वोट उनको दे रहा है। तो बेशक राव दान सिंह बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि अब पूरी तरीके से यादव बेल्ट पे ये पूरा जो समीकरण है आ बैठा है, तो बीजेपी ने भी अपने पूरे जो गणित है पूरे समीकरण बिठाने शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी यहाँ रैली कर रहे हैं महेंद्रगढ़ के पाली गांव में, एक बड़ा गांव है, राजपूतों का गांव कहलाता है, वहां उनकी रैली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि राव इंद्रजीत जो अहिरवाल के सबसे बड़े नेता कई दशकों से माने जाते आ रहे हैं,
कुछ प्रभाव उनका कम हुआ है बेशक, लेकिन वो अभी भी यादवों के सबसे बड़े नेता अहिरवाल में कम से कम कहलाते हैं। उनके पिताजी राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री भी रहे हैं हरियाणा के। तो राव इंद्रजीत के, देखिए राव दान सिंह की मजबूत स्थिति क्यों है, ये कुछ बयानों से समझने की जरूरत है। अभी हरियाणा बीजेपी के जो प्रवक्ता है और जो पूर्व में मनोड़ा खट्टर के ओएसडी रहे जवाहर यादव, उन्होंने एक बयान दिया अहिरवाल को लेकर, और राव इंद्रजीत भी लगातार पूरे अहिरवाल में घूम घूम कर, कल परसों कोसली में उनकी रैली थी, वहां भी उन्होंने अहिरवाल को लेकर कहा है कि धर्मवीर उनका भाई है, उनका साथी है, उनको जिताइए, उनको जिताओगे तो हो सकता है कि अहिरवाल को अपना मुख्यमंत्री मिले। तो ये मान के चल सकते हैं कि बीजेपी की और कांग्रेस की, बीजेपी की स्थिति वहां बहुत टाइट है। इसी वजह से जो उनके बड़े नेता है वो लगातार बयान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अहिरवाल से वोट नहीं मिला तो साफ तौर पर बीजेपी निश्चित तौर पर ही हार जाएगी। लेकिन अगर वो डैमेज कंट्रोल करने में रहते हैं, अच्छा खासा वोट यादवों का अगर बीजेपी को मिल जाता है, तो इस सीट पर फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है, और सबसे हॉट सीट भी एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जबरदस्त दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर है। करण जी, इस हॉट सीट में एक सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो राजपूतों का भी है, जो भिवानी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, 1.25 लाख के आसपास वोट बैंक है यहाँ पर। और जो कांग्रेस के जो फिलहाल भावी नेता है यहाँ से, जैसे बात करें धीरज सिंह की, अगर बात करें अभिजीत लाल सिंह की, अगर बात करें संदीप तंवर की, तो उनका अच्छा होल्डर और कहीं ना कहीं इस पार्टी को लेकर पूरे एक मत है कि हाँ कांग्रेस को जिताया जाए भिवानी से, क्योंकि भिवानी में राजपूतों का वर्चस्व है एक तरह से। 31 गांव पड़ते हैं, 31 वार्ड है भिवानी में, जिसमें राजपूत बहुल्य हैं एक तरह से। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता है, पिछली बार इंदु शर्मा जो चेयरमैनी का चुनाव लड़ी थी, उनके पास भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो इसमें यहाँ जो आंकड़े जातिगत थे वो तो आधार एक अलग है कि जाट उसको वोट देगा कि नहीं देगा कांग्रेस, और साथ ही साथ दूसरी जो कास्ट है वो भी शिफ्ट हो रही है कांग्रेस की तरफ। नवीन, एक ये कहा जाता है इस इलाके के लिए कि 30% है वो जाट और 25% है वो ब्राह्मण, ये जो वोट का है ये वोट बहुत निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो ये नहीं लग रहा है कि इस इलाके में जाति ही जीत की गारंटी बनेगी? नहीं नहीं जाति नहीं है इस बार यहाँ पर, लोग परेशान है इस चीज से कि 10 साल की जो इनकम्बेंसी है उसको लेकर, मुद्दों को लेकर, खासकर जो आमजन की समस्याएं होती हैं, पानी जल से लेकर उनके खाने पीने का, उनका अनाज का, जीवन फसल बीमा निगम की जो योजनाएं हैं उनसे लेकर अग्निवीर की भर्ती तक यहाँ पर लोग आहत हैं। क्योंकि हम देखते थे परस्पर बच्चे जो थे सुबह सुबह उठकर सड़कों पर रेस लगाते थे, आजकल वो नदारद थे सड़कों से। और यहाँ के आमजन का यही कहना है कि हमारे बच्चे रोजगार नहीं मिल रहा, उन्होंने एमएससी एमफिल कर करके वो लोग यहाँ पर ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे हैं और वो भर्तियां पूरी नहीं हो रही है। नवीन, परिचर्चा को खत्म करें उससे पहले एक आकलन बताएं, कौन भारी पड़ रहा है, कांग्रेस या बीजेपी, या फिर किन किन के बीच में संघर्ष रहेगा? संघर्ष रहेगा यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के तरफ, लेकिन किरण चौधरी के गढ़ में राव दान सिंह की सेंध, उनके बेटे राव बक्सत लगातार दौरे करके गए हैं, और दूसरी तरफ राव दान सिंह कंटिन्यू बैक टू बैक वहां दिखाई दिए हैं। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे सर्वे में जिन्होंने बात की, जिनसे हमने बात की, वो ये कह रहे थे अगर किरण चौधरी हमसे नहीं कहती तो भी हम बदलाव की तरफ यानी कांग्रेस को वोट करते। एक चीज और कहना चाहूंगा, धर्मवीर सिंह के साथ एक नेगेटिव जो सबसे नकारात्मक पक्ष उनका है कि वो 10 साल से यहाँ सांसद रहे, सांसद रहने के बावजूद वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहे, कोई उनकी बहुत ज्यादा भूमिका नहीं रही। वो एक तरह से इस मोड में थे कि यहाँ पर जो है मोदी को अगर लोगों को जिताना होगा तो मुझे जिताएंगे, मैं जीतूंगा। और राव दान सिंह के साथ जो प्लस पॉइंट है, जो उनके सकारात्मक पक्ष है, उन पे मैं नजर डालना चाहूंगा। राव दान सिंह भरही महेंद्रगढ़ से चुनाव जीते वो 4 बार, लेकिन वो रहने वाले भिवानी के प्रहलादपुर गाँव के है। तो एक उनका जो संबंध है दोनों तरफ से, यहाँ उनकी कर्म भूमि है और उनकी जन्म भूमि है। तो राव दान सिंह के साथ ये पक्ष मजबूत है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी जो करीबी है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो वो सीपीएस रहे, और सीपीएस के वक्त ये कहा जाता था कि अहिरवाल का उप मुख्यमंत्री एक तरह से राव दान सिंह को कहा जाता था। तो हुड्डा की करीबी का फायदा उनको ये मिल रहा है कि जाटों का वोट पूरा उनको एकमुश्त मिल रहा है। और तीसरा जो उनके पक्ष में है, मैनेजमेंट के बहुत अच्छे खिलाड़ी है, पूरी जो उनकी टीम है बहुत अच्छा मैनेज चुनाव करती है। और इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी बहुत आगे रहेगी, लेकिन उनके चुनाव की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो उनके मैनेजमेंट का है। धुरंधर खिलाड़ी है, पुराने खिलाड़ी है, और कई बार के विधायक रहे हैं, अच्छी समझ रखते हैं राजनीति की, और बहुत ही सरल स्वभाव के वो व्यक्तित्व है। तो ये सब वजह जो है उनके पक्ष में जाती दिखती है। इसी वजह से ये जो मुकाबला यहाँ पर कड़ा होता जा रहा है। अब क्योंकि 25 को चुनाव होना है तो 23 तारीख को स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि 2 बड़ी रैलियां यहाँ होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे, तो उन रैलियों का कितना असर पड़ता है, जो रैली ज्यादा अच्छी कर पाएगा। और दूसरा जो सबसे निर्णायक है वो यादव बेल्ट है, जो महेंद्रगढ़ के जो चार चार सीटें हैं, यहाँ से कितना वोट राव दान सिंह लेंगे,
ये उनकी जीत पर निर्भर करेगा विक्रम। पॉलिटिकल पंचायत इस बात का दावा नहीं करती है कि कौन जीतेगा या क्या होगा, लेकिन जो जमीनी स्तर पर हम जो माहौल देख रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जो हम लोगों के सामने बातें आती है, वो आकलन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी तक आकलन ये है संघर्ष या फिर कहते हैं कि टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगी, लेकिन बीजेपी को कहीं नुकसान नहीं, यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पे भारी पड़ रही है। बाकी जो भी चुनाव होंगे उसके बाद में जनता का निर्णय वो तो सामने आ जाएगा। आज की परिचर्चा में इतना ही, आप दोनों का शुक्रिया और उम्मीद करें कि आप इसी तरीके से जमीनी स्तर पर पॉलिटिकल पंचायत के दर्शकों के लिए वापस आकलन लेके आए ताकि लोगों को हम बता सके हरियाणा में क्या माहौल है। नमस्ते।